नमस्ते जी, की हाल चाल? सारे सब बढ़िया ही होंगे, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। दिस इज़ अ वेरी क्विक वीडियो फ्रॉम द लैंड ऑफ बर्थ लैंड ऑफ श्री रावण। मैं श्री करके कह रहा हूँ बिकॉज वो राक्षस तो थे ही थे, लेकिन इस धरती में सबसे विद्वान ब्राह्मण श्री रावण ही थे। तो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, जो टाइटल आपने देख के पहले पढ़ा हुआ कि क्या रावण नोएडा के थे, उत्तर प्रदेश के थे, यस, आंसर इज यस एंड यस एंड यस। दिस इज़ अ लैंड, मैं अभी खड़ा हूँ ग्रेटर नोएडा का एक टाउन है बिसरख, जहाँ पे, और मेरे बैकग्राउंड में मंदिर है जहाँ पे श्री रावण पैदा हुए थे। इस भूमि के अंदर श्री रावण पैदा हुए थे, और जो अंदर शिवलिंग है जिसकी पूजा उन्होंने भी करी है, उनके फादर साहब ने भी करी है, उनके पिताजी ने भी इस शिवलिंग की पूजा करी है। अभी हम थोड़ी देर में मंदिर में भी चलेंगे, पुजारी जी से भी बात करेंगे, साथ में ये जिस जो मंदिर है यहाँ पे एक मठ भी है, तो मठ के बाबा जी से भी थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ा सा ज्ञान लेंगे कि क्या रावण कैसे इंसान थे, वो श्रीलंका कैसे पहुँचे, और इस शिवलिंग की क्या खासियत है, इस मंदिर क्या वाकई जो हम लोग सुन रहे हैं कि ये जो गांव है ये रावण का है, यहीं पे पैदा हुए थे, तो उस सारी बातें हम अभी करेंगे। तो लेट्स गेट इनसाइड द टेंपल। जो आप शिवलिंग देख रहे हो, ये शिवलिंग कई हजारों करोड़ों साल पुराना शिवलिंग है। इसकी आप शेप देखोगे, शेप आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जैसी ही, इसकी कई लोगों ने शिवलिंग की खुदाई करने की भी कोशिश करी, 25-26 फीट तक इन्होंने इस शिवलिंग को खोदने की भी कोशिश करी, उसके नीचे का अस्तित्व तो बिल्कुल भी नहीं मिला। रावण के बाबा द्वारा स्थापित, ओके, समझे, रावण की जन्मस्थली यही है, समझे, और ये शिवलिंग बहुत पुराना है, करोड़ों वर्ष पुराना है। अष्टभुजी शिवलिंग मात्र दो ही है, एक यहाँ पर, एक उज्जैन, एक उज्जैन महाकालेश्वर, महाकालेश्वर, हाँ, वो उनका शेव शिवलिंग का आकार मैं देख रहा हूँ, हाँ, एक जैसा ही, ठीक है। तो पंडित जी, रावण जी थे जो वो इसी मतलब मंदिर में या इसके आसपास पैदा हुए थे, या फिर आप जहाँ खड़े हैं वो रावण की जन्मस्थली है, जन्मस्थली है। तो यहाँ पे कोई आता नहीं है इसको मेंटेन करने के लिए, या कोई ट्रस्ट वाले, गवर्नमेंट से कोई नहीं इसकी देखभाल करने वाला, बढ़ाने वाला ट्रस्ट कोई नहीं, बढ़ाने वाला अब तो थोड़ा मंजूर हुआ रास्ता रास्ता बढ़ने के लिए। असल में चक्कर के जो आजू बाजू जमीन थी ना गांव वालों की थी, समझे, हाँ जी, अब गांव वालों की जमीन होने की वजह से वो अपनी जमीन से रास्ता नहीं दिया, अब इस जमीन अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट की जो संस्था है अथॉरिटी, उसने खरीद लिया, उसके रास्ता उसने दिया है, अब वही बनवाएंगे। अच्छा, बनवाएंगे। तो रावण पंडित जी कितने, किस उम्र तक यहाँ पे रहे थे, कुछ अंदाजा? रावण की आयु का तो किसी को भी आज तक अंदाज नहीं, वो 28,000 वर्ष तो उसने राज किया, वो अपने जन्म से लेकर के विवाह तक और वरदान जब मांगे वो इसी जगह मांगे, वो समझ यहीं पर, अच्छा यहीं पर थे। और पंडित जी, मैंने सुना है कि ब्राह्मण को दहन नहीं देखना चाहिए उनका, यहाँ रावण दहन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, और ब्राह्मण को भी नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, है, उसके पीछे का कोई खास कारण मेरे को नहीं, कि मैं भी खुद ब्राह्मण हूँ एक, तो नहीं देखना नहीं चाहिए, होलिका दहन भी ब्राह्मण को नहीं देखना चाहिए, बहुत से लोग होलिका पूजन ब्राह्मण कर देता, वो ब्राह्मण नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण है, वो होलिका पूजन कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका कोई खास कारण है, देखो ऐसा रहता है कि रावण का पुतला भी जलाते हैं, वो ब्राह्मण का पुतला, समझो, उस समय एक योग्यता का दहन होता है, क्योंकि रावण एक महाविद्वान था, रावण कोई पापी था ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है, रावण में कोई पाप था ये बिल्कुल सत्य नहीं है। आप मंदिर में क्यों जाते हैं, अपनी मुक्ति के लिए, अपनी मुक्ति की मन की शांति के लिए जाते हैं, और रावण ने अगर कोई कदम अपनी मुक्ति के लिए उठाया तो उसने कौन सा गुनाह किया,
अगर रावण को उठा के देखो तो रावण ने सीता का हरण किया ही नहीं, सीता का हरण हुआ ही नहीं। ये तो हमारे आपके बीच की किंवदंती है, उनकी कोई अध्ययन नहीं करते, अध्ययन करके अगर देखें तो सीता का हरण हुआ ही नहीं, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि जब तक करो निशाचर नाशा तब तक करो अग्नि प्रवासा। जब अग्नि में प्रवेश कर चुके हैं तो फिर सीता गई कौन सी, उनका मात्र एक प्रतिबिंब था, ये ज्ञात रावण को था कि सीता को हम छू भी नहीं सकते, सीता को हम छू भी नहीं सकते, हम जल के भस्म हो जाएंगे। तो उसे मानते हैं प्रतिबिंब है सीता जी का जी, समझे। जब वो लेके गए तो उसने कौन सा अपराध किया, उसे तो सब कुछ जानकारी में था पहले से। और ये पंडित जी जो गुफा है बगल में, ये इसके बारे में कुछ, ये उसी समय की गुफा है रावण के। आपका पंडित जी क्या शुभ नाम है? पंडित विनय भारद्वाज। विनय भारद्वाज, कौन सा गुफा है? अब बताते हैं कि दारू कौन गई कहाँ तक जाती है, ये दुधेश्वर महाराज गाजियाबाद तक जाती है, वहाँ पे भी कहते हैं सेम ऐसा ही बना हुआ। अभी हम बात करते हैं इस लैंड की। मैं कहना चाहूँगा जितने भी हमारे धर्म ग्रंथी हैं या फिर जो ठेकेदार जिनको मैं बोलूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में हूँ नहीं, बट हाँ धर्म के जो ठेकेदार हैं मैं उनको बोलूँगा कि कहीं ना कहीं श्री रावण भी सिर्फ बुराइयों से ही नहीं, अच्छाइयों भी उनकी देखनी चाहिए, और जो हमारा धर्म है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, उसको सेव करना भी हमारी ड्यूटी है। ऑल्दो अभी आप ये देख रहे हो लैंड बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने टेक्नोलॉजिकली कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कुछ भी हो, रोड, मैं यहाँ तक आया हूँ रोड भी नहीं मिला, सारा रोड टूटा हुआ है। अभी ये जो आप मंदिर मेरे पीछे देख रहे हो, मैं अभी अंदर भी लेके जाऊंगा, इसके अंदर प्रतिमा लगी हुई है रावण जी के फादर की, तो अंदर और भी मूर्तियां हैं, माता रानी की हैं, लड्डू गोपाल की हैं, कृष्ण भगवान की, सबकी हैं। तो ये काफ़ी इन्होंने मठ को बनाया हुआ है, जो भी ट्रस्ट है, जो भी बाबा जी इसको देख रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छी वाइब है और काफ़ी सुकून यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप यहाँ आके रहना चाहते हो तो आप रह भी सकते हो। ये मंदिर हम देख रहे हैं, समय खुदाई में गुफा निकली थी, वो उधर है गुफा भी निकली थी। ये गुफा जहाँ से वहाँ कहाँ जा निकली थी? ये गाजियाबाद जाते थे दुधेश्वर मंदिर, और फिर वहाँ बीच में फूट जाती थी मेरठ से गाजियाबाद जाती थी। तो मामी रावण पैदा यहाँ हुए, रावण यहाँ है ना, तो वो श्रीलंका कहाँ पहुँच गए? ऐसा था, लंका शंकर जी ने बनवाई, पूजन करने गए थे विशिष्ट शर्मा, तो शंकर जी ने कहा ब्राह्मण देता दान मांग ले क्या चाहिए दान, उन्होंने कहा कि हम मांगे तो आप दोगे, अरे ब्राह्मण देता मांगे हम तो देंगे, तैयार है देने के लिए जो आप कहोगे, तो उन्होंने कहा कि हमको ये महल दे, लंका दे, लंका दे, दान मिल दीजिए। अभी मैं इस मठ के ही बगल में आया हूँ, गौशाला भी है यहाँ पे, तो मेरे ग्रेटर नोएडा से कोई देखने वाला जो भी है, कोई गौशाला ढूंढ रहा है पास में, तो बिसरक गांव है, अमरापल्ली के जो प्रोजेक्ट हैं उसी रोड पे के ऊपर, अगर आप गूगल पे डालोगे तो मिल जाएगा, यार आजकल गूगल का ज़माना है, तो आपको गौशाला भी यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे आके दान करो, गऊ से रिलेटेड जो भी आपको गऊ दान करना है, कुछ भी करना है, आप यहाँ पे आके कर सकते हो। तो एक ये भी हमारे पास में ही काफ़ी अच्छी जगह है ग्रेटर नोएडा वालों के लिए, इससे इस ट्रस्ट की, इस मंदिर की भी हेल्प होगी। बहुत ही क्विक वीडियो थी, मैंने कहा चलो दशहरा है, एक
आपको एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। बहुत सारे मेरे जैसे लोग होंगे जिनको नहीं पता था कि जो रावण है वो हमारे उत्तर प्रदेश के यहाँ, वो भी बगल दिल्ली के एकदम बगल में ग्रेटर नोएडा के, मेरे तो घर के बिल्कुल 4 किलोमीटर हैं। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो मैं आपको सीधा सीधा बोलूँगा कि ग्रेटर नोएडा एक मूर्ति चौक आ जाओ, एक मूर्ति चौक से आप राइट हो जाओगे, जैसे ही सीधा रोड बिसरत गाँव आ जाएगा तो आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हो इस प्राचीन शिवलिंग के। टिल द टाइम थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेरी गलत भी है तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताना। जय श्री राम। ये भाई यहीं के हैं, भाई बताओ डेवलपमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, है ना? कोई नहीं आता ना यहाँ कोई नहीं आता, बहुत कम लोग आते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और वहाँ तक पहुँचा देना कि भाई कोई ना कोई यहाँ पे एनजीओ हो या ट्रस्ट हो वो यहाँ पे आए और इसको सेव करे, ताकि यहाँ के लोकलाइज भी थोड़े से उस टूरिज्म से कमाना शुरू करें, है ना भाई? क्या नाम है? माय नेम इज वंश। वंश कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स्थ। आपका? माय नेम इज हर्ष। हर्ष, इंग्लिश।